ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मगध क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार के औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में AIMIM के संगठन को बिहार में और धारदार बनाने के लिए नई योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। औरंगाबाद के भरथौली शरीफ, गया के शेरघाटी, डोभी, बोधगया, चाकंद, बेला और जहानाबाद के मखदूमपुर और जहानाबाद में कार्यकर्ताओं ने बिहार के AIMIM के सीनियर लीडर का स्वागत किया। साथ ही कुछ जगहों पर रोड शो के माध्यम से पार्टी के प्रचार प्रसार का भी काम किया गया। बिहार प्रदेश के युवा अध्यक्ष एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद के नेतृत्व में इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी प्रयास किया गया। इस मौके पर युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद आफताब खान, इरफानुर रहमान, आफताब राणा, शमीम निजामी, मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद साबिर अहमद, मोहम्मद साकिम आलम, परवेज आलम, मोहम्मद शहजाद, सद्दन बाबा, कैलू खान, शहनवाज हैदर आदि दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इमरान अली, बिहार आजकल। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? कुछ नहीं, हम लोग आवाम से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत हर जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीमांचल में, मिथिलांचल में, उसी तरीके से मगध एक बहुत बड़ा प्रमंडल है, तो यहाँ से भी हम औरंगाबाद में प्रोग्राम किए, आज आपके शेरघाटी में कल किए थे, बोधगया में है, गया में है, उसके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, उसी क्रम में मिलना जुलना है। और इंशाल्लाह अनकरीब अख्तरुल ईमान साहब का मगध रेंज में प्रोग्राम होगा, उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का होगा, उसी में जनसंपर्क अभियान है एक तरह का। हमारा टारगेट है कि 2 लाख मेंबरशिप 100 दिन के अंदर में हम 2 लाख मिनिमम मेंबरशिप करें, इसका आगाज़ आजकल में शुरू होने जा रहा है। तो उसी का एक समीक्षा कहिए, एक रिव्यू मीटिंग कहिए, वही हम देख रहे हैं कैसे क्या ज़मीनी आवाम में है, जो संगठन का क्या रचना है, उसी पर हम लोग आए चर्चा करें। आफ्ताब खान भी हैं गया ज़िला से, क्या प्रोग्राम है आज आपका? देखिए, मैं शेरघाटी के बाद डोभी होते हुए, डोभी में रोड शो है और उसके बाद बोधगया में है रोड शो है, उसके बाद फिर एक प्रेस मीटिंग सर्किट हाउस में गया में रखा गया है, एक संदेश देने के लिए मगध में और पूरा गया के वासी लोगों की, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जन जन तक एक आवाज़ बुलंद करने के लिए इस हमारे यूथ सदर आदिल हसन आज़ाद साहब पूरा मगध का दौरा कर रहे हैं।